सब्सक्राइब करें टेक्निकल कैफे को, साथ में घंटी का बटन दबाएं और नोटिफिकेशन सबसे पहले पाएं। हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपको व्हाट्सएप के एक नए फीचर के बारे में बताने वाला हूं। अगर आप इस फीचर के बारे में जानना चाहते हो तो इस वीडियो को पूरा लास्ट तक देखें, और आधे में से कट करेंगे तो जान नहीं पाएंगे। तो चलो शुरू करते हैं। मेरा नाम सोहन भंडारी और आप देख रहे हो टेक्निकल कैफे यूट्यूब चैनल। मैं इसके लिए आपको सबसे पहले प्ले स्टोर पर लेके चलता हूँ, क्योंकि प्ले स्टोर पर अपने व्हाट्सएप को अपडेट कर लीजिए, क्योंकि यह फीचर अभी नया नया आया है। हर किसी को मालूम नहीं है इस चीज़ के बारे में। अपने व्हाट्सएप को अपडेट कर लीजिए, उसके बाद जो कि मैंने ऑलरेडी अपडेट कर रखा है। आप अपडेट करने के बाद व्हाट्सएप पर लेकर चलता हूँ। जैसे कि मैंने ये फ़ोटो आप देख सकते हो डाउनलोड किया है व्हाट्सएप से। अभी मैं इसको डिलीट कर देता हूँ, गैलरी में जाकर डिलीट कर देता हूँ। देख सकते हो आप, ये फ़ोटो इधर है, इसको मैं डिलीट कर लेता हूँ। फिर से व्हाट्सएप पर चले जाता हूँ, आप देख सकते हो फिर से व्हाट्सएप पर गया। ये देख सकते हो, अभी मैं इसको दोबारा डाउनलोड करूँगा तो ये देख सकते हो आप क्या लिख के आ रहा है। सॉरी, दिस मीडिया फाइल डज नॉट एग्जिट ऑन योर इंटरनेट स्टोरेज। बता रहा है कि आप मेरे स्टोरेज में नहीं है, इसके लिए ये डाउनलोड नहीं होगा। आप देख सकते हो ऐसा लिख कर आ रहा है, जबकि मैं इसको अभी दोबारा से क्लिक करूँगा तो डाउनलोड होना चालू हो जाएगा। आप देख सकते हो, ये देख सकते हो कि डाउनलोड होना चालू हो चुका है। कई बार ऐसा होता है कि हम अपने व्हाट्सएप पर कोई अच्छी खासी फ़ोटो आती है, या किसी की गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड जो भी है उसकी फ़ोटो आती है और गलती से डिलीट हो जाती है, तो हम दोबारा उसको डाउनलोड नहीं कर पाते हैं। मगर इस फीचर से व्हाट्सएप पर एक अच्छा फीचर आ चुका है, जो कि हम दोबारा से फोटो डाउनलोड कर सकते हैं। ओके, अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें दूसरे लोगों तक और चैनल को सब्सक्राइब करें। ओके, बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग। फिर हाजिर होंगे एक नई वीडियो के साथ।